साक्षात्कार को लेकर आज मेरा ये पहला सेशन है, इंटरव्यू को लेकर आज मेरा पहला सेशन है। और आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और क्रम से ये एक क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं साक्षात्कार को लेकर एक कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ करूँ। इसको लेकर अब लगातार हमारे सेशन चलेंगे जब तक हम सभी मुद्दों पर डिस्कस नहीं कर लेंगे। IAS और स्टेट PCS एग्ज़ाम के अलावा भी यदि आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर इंटरव्यू है, आप जिन जिन मुद्दों पे मैं बात करूं, जिन जिन मुद्दों पर आपको बताऊं, उन सभी को यदि आप अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही ये सकारात्मक और बहुत ही सहयोगी पहल होगी। आम तौर पे होता ये है कि बहुत सारे बच्चे जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा आप मॉक इंटरव्यू देंगे। पर्टिकुलर कोई ऐसे सेशंस नहीं है जहाँ पर इंटरव्यू को लेकर एक कंप्लीट गाइडेंस दिया जाए। हम प्री की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के कोई एक स्वाभाविक मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास इन सेशन से ये है कि मैं आपको साक्षात्कार के हर एक पहलू को बताने का प्रयास करूं। आपकी सफलता का सबसे निर्णायक चरण है। यदि आप साक्षात्कार की सफलता के लिए जो आपका आयोग है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, यदि उनकी आवश्यकताओं को आप समझ जाएंगे कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और दरअसल इंटरव्यू है क्या चीज़, क्योंकि एक बहुत बड़ा हवा भी बन जाता है और बहुत सारे बच्चों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण चरण भी होता है क्योंकि वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। जो भी मेंस क्वालिफाई कर रहा है वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है, ये मान लीजिए, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज तो पर्याप्त है। और इंटरव्यू में बहुत बारीक एक डिस्टेंस होता है या फिर मेंस में नंबर कम होते हैं। दरअसल देखिए, सबसे निर्णायक भूमिका तो आपकी मुख्य परीक्षा ही निभाती है, लेकिन इंटरव्यू का एक रोल है। इंटरव्यू का रोल कहाँ है? आपकी रैंक इंप्रूवमेंट करने में, आपका सिलेक्शन कराने में, विभिन्न पक्षों में इंटरव्यू का रोल है। तो आज के सेशन में हम इंटरव्यू को लेकर के कार्य करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दरअसल इंटरव्यू है क्या, जो दिमाग में एक हवा बैठ चुका है बच्चों के। दरअसल आयोग ने स्वयं अपने जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसमें साक्षात्कार को लेकर कई सारी बातें स्पष्ट की हैं। तो दरअसल इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आयोग आपसे चाहता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही अल्टीमेट गोल क्या है, इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, क्या जरूरी है कि व्यक्तित्व परीक्षण किया जाए, आपका साक्षात्कार किया जाए, इन सभी पहलुओं पर बात करने के बाद आने वाले समय पर मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि बहुत सारे प्रश्न इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं जो सामान्य हित से जुड़े होंगे। चूंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं तो प्रशासन में भी बहुत सारी ऐसी दुविधाएं आती हैं, उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साक्षात्कार के द्वारा सामान्य हित में ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। और बाद में देखो, आयोग को यह पता है कि यदि आप सिविल सेवा के लिए फिट हैं, है ना, आपकी मानसिक क्षमता ऐसी है जो कि जा करके प्रशासन में आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आयोग आपको चयनित करेगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयोग ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, आयोग पूरा प्रयास यही करता है। और एक चीज और बताऊं, बहुत सारे बच्चों के मेंस में नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इसके बावजूद भी इंटरव्यू के कारण से उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। उसका कारण यह रहता है कि आपको जब आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है ना, तब पता चल जाता है कि आप सिविल सेवा के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम बहुत सारे मुद्दों पर अपने ओपिनियंस रखते हैं, जैसे कि इस देश में जो आपके देश की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बहुत सारे पहलू लिखे गए हैं, उन सभी पहलुओं की जांच की जाती है कि आप प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन हैं कि नहीं है, आप देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, देश की कानून व्यवस्था को मानते हैं नहीं मानते हैं, देश में जो प्रॉब्लम्स हैं क्या उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने बनाया है कि नहीं बनाया, क्या आपके पास केवल और केवल समस्याएं गिनाने के लिए है, क्या समस्याओं के साथ साथ समाधान भी आप रखते हैं, तो आपके अंदर का एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर का रवैया कैसा है, ये सभी चीजें यहां पर देखी जाती हैं। और इसी से आपकी मानसिक क्षमता, ऐसे कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनसे सिविल सेवा के लिए उम्मीदवार का जो है स्तर कैसा है ये पता चल जाता है, उम्मीदवार की मानसिक क्षमता है कैसा पता चल जाता है। कई बार आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा लेकिन फाइनल रिजल्ट में तब भी नाम नहीं आता, वो मेंस की त्रुटियां हैं, मेंस में कहीं ना कहीं पे आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं था कि इंटरव्यू जोड़ करके भी आपको वहां तक ले जाता है ना। तो कई सारे पहलुओं पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आयोग आपसे क्या चाहता है। और
यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो साक्षात्कार होता है वहां पर आयोग किस तरीके की तकनीकी का प्रयोग करता है, कैसे बातचीत आप सभी के साथ होती है, क्या किसी विशिष्ट ज्ञान की परीक्षा है या सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल देखिए, सामान्य सी बात है, यूपीएससी को अच्छे पढ़े लिखे युवाओं की तलाश है या स्टेट पीएससी को अच्छे पढ़े लिखे युवाओं की तलाश है जो सिविल सेवा के लिए फिट बैठ सके। अब यहां पे मैं सेशन की शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि साक्षात्कार वास्तव में होता क्या है, और खासकर जो सिविल सेवा के लिए जो साक्षात्कार है आपका, यूपीएससी के लिए जो साक्षात्कार है वो है क्या, और एक बार मैं आयोग के सिलेबस को भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, और जहां पे आप मुझसे डिसएग्री हो आप यहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने आपकी ये सेशन स्टार्ट किए हैं साक्षात्कार को लेकर, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इन सेशन से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए, और मैं ये भी बताने वाला हूं कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। दरअसल इंटरव्यू की तैयारी में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कई सारे पहलू हैं, सबको लेकर के एक एक करके डिस्कस करेंगे, और एक साथ नहीं हो सकता। मैं धीरे 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 हर सप्ताह आपको एक डोज देता जाऊंगा, ठीक है। डेली हर सप्ताह ही खुराक आपको मिलेगी, तो आप इंटरव्यू की दिशा में बेहतर करने लग जाएंगे। देखिए, साक्षात्कार कुछ नहीं है, यदि मेरे नजरिए से देखें तो साक्षात्कार, जो आयोग भी कहता है कि ये कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का जो है वो नहीं है, है ना, एग्जाम नहीं है या फिर वहां पर जाकर के। तो साक्षात्कार एक स्वाभाविक वार्तालाप है, स्वाभाविक वार्तालाप है, वार्तालाप है जहां पर दो पक्ष होंगे। इस स्वाभाविक वार्तालाप में एक पक्ष तो बोर्ड होगा, जिस बोर्ड के सम्मुख आप प्रस्तुत होंगे, और दूसरी तरफ आप स्वयं होंगे, आप स्वयं होंगे। और देखिए, सिलेक्शन तक जाना है तो इस चरण से आपको गुजरना ही गुजरना है। प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप साक्षात्कार के चरण से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप, मैंने स्वाभाविक वार्तालाप इसलिए लिखा है, इसमें जो तनाव है, जो प्रेशर आप लोग लेते हैं, दरअसल वो आपका अपना खुद का कैरियर का प्रेशर होता है ना, जो क्योंकि एक डर बना रहता है, इतने लंबी यात्रा करने के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, यदि यहां से बाहर हुए तो फिर क्या करेंगे, फिर से जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, फ्री में फिर प्री देंगे, मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू, फिर सामना करना पड़ेगा, तो वो डर जो है ना वो दिखता है स्वाभाविक वार्तालाप से, और एक हवा सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं स्वाभाविक वार्तालाप तो कह तो रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक वार्तालाप का मतलब समझ रहे, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, घर पे आप पांच मेंबर बात करते हैं, कोई एक मुद्दा होता है, हाँ बस ये कि जब हम घर पे बात करते हैं, बाहर रोड साइड बात करते हैं या किसी से भी बातचीत करते हैं, तब हम बहुत अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं, ना हमारा कोई खड़े होने का तरीका है, ना बैठने का तरीका है, ना हमारा बात करने का तरीका है, कई बार हम सामने वाले की बात को काटते हैं, अपनी बात को प्राथमिकता देते हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इंटरव्यू को लेकर एक बच्चों के अंदर एंजाइटी भी क्रिएट हो जाती है, मतलब वो एक मन में मन सोचने लग जाते हैं कि यार हम इस चीज के लिए बने भी हैं, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक मतलब इतनी बड़ी एंजाइटी होती है बच्चों के मन में कि वो धीरे 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 घुटते चले जाते हैं, घुटते चले जाते हैं। तो आज मैं आपको समझाने का ये प्रयास करूंगा कि वास्तव में इंटरव्यू को लेकर हमारा सही नजरिया क्या होना चाहिए, सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और यदि अभी से इस पे काम करना चालू करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी कब से करनी चाहिए, क्या इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी होती है ना, क्या इंटरव्यू कोई एक अलग चीज है। दरअसल इंटरव्यू कोई मतलब इसकी कोई अलग से तैयारी नहीं करना, जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारे पक्ष आ जाते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार में नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज एक हिस्सा है जिसके माध्यम से आपकी पर्सनालिटी को देखा जा सकता है, ज्ञान पक्ष। देखिए, इंटरव्यू में चार चीजें होती हैं, आम तौर पे आप भी मेरी बातों से एग्री होंगे, चार चीजें हैं इंटरव्यू में। पहला तो है ज्ञान पक्ष, ज्ञान पक्ष यानी आपकी नॉलेज कैसी है, और ये नॉलेज का अल्टीमेट गोल ये है कि इसके माध्यम से आपको समझा जाए, और क्या करेंगे आयोग, है ना, आपके बारे में पूछेंगे, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछेंगे, आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछेंगे,
तो पहले तो आपसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है पृष्ठभूमि होती है आपकी शैक्षणिक संबंध, आप जो पढ़ रहे हैं, अभी देश दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। तो एक पक्ष होता है दृष्टिकोण पक्ष, कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। दृष्टिकोण पक्ष, क्या आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, नकारात्मक है, आशावादी है, या फिर आप मतलब बहुत जो है सेंसिटिव पर्सन है, बहुत इमोशनली आप तुरंत ही जो है टूट जाते हैं। देखिए, आप जिस देश में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इस देश में बहुत बड़ी आबादी है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में हैं आप, विश्व की सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी में हैं आप, सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी है ये, अभी क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुई है। यहाँ पे आपको पता है अभी लोग जो है आधारभूत चीजों के लिए ही अपने आप को लगातार जूझ रहे हैं, एक संघर्ष है, लोगों के जीवन में स्ट्रगल है। तो आपके हाथ में सिविल सेवा के माध्यम से इस डेमोक्रेसी की बागडोर देनी है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी में क्या आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे, जो प्रेशर यहां पर है वो दबाव को क्या आप झेल पाएंगे। तभी आप देखेंगे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, देखिए मैं यहां पे कौन कौन सा एग्जाम, सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मैं यहां पे चीजें आपको बताऊंगा, और यूपीएससी तो इंक्लूड है ही है। आप खुद बताइए, जितने भी एग्जाम है, पहले तो तैयारी के तीन चरण यही काफी लंबे हैं। एक एस्पिरेंट की जीवन को आप देखें तो ट्वेल्थ पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं और इसी बीच में तैयारी चालू कर देते हैं, कुछ लोग बाद में भी स्टार्ट करते हैं। एक साल डेढ़ साल तो आपको समझने में लग जाता है, तैयारी करने में लग जाता है, दो दो साल का भी टाइम लग जाता है, कुछ लोग तीन साल भी लेते हैं, और करते 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 बीच बीच में पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं, सिलेबस भी अपडेट होता रहता है, प्रश्न पूछने की प्रकृति भी बदलती रहती है ना। इसके बाद प्री होगा, पता चला प्री ही नहीं निकला, फिर आपका पता चला मेंस हुआ, मेंस भी नहीं निकला, फिर आपको पता चला इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से बाहर हो गए, फिर पता चला आपका तीनों चरणों में हुआ। मेंस में इतना लिखना है, इतना लिखना है, इतना लिखना है कि आपका एक प्रेशर रहता है। एक एक दिन में दो पेपर होते हैं, एक एक पेपर में तीन तीन चार चार सब्जेक्ट होते हैं, ये मतलब अपने आप में इतना आसान नहीं है कि बस मजाक मजाक में आपका एग्जाम हो गया, है ना। मेंस बहुत ही चैलेंजिंग एग्जाम है, प्रीलिम्स में तो तब भी आपको जाना है, टिक मार्क करके चले आना है, इतना प्रेशर नहीं होता, मेंस में बहुत प्रेशर होता है। तो इतना प्रेशर आपको एग्जाम के तैयारी के दौरान ही क्यों दे दिया जाता है, ये तो आयोग ने आपके लिए प्रेशर बनाया, प्रश्न ऐसे पूछे, लिखने का तरीका ऐसा बनाया, प्रश्न भी बहुत सारे अनप्रेडिक्टिव, क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं पता, करंट अफेयर्स इतना बड़ा है, कई बार करंट से जोड़ करके दे रहा, किताबों में चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, और इसके अलावा आपकी जिंदगी के जद्दोजहद के प्रश्न और होते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है घर पे, परिवार में समस्याएं चल रही हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आपके खुद का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, रिश्तेदारों की समस्याएं, मल्टीपल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं अपनी लाइफ में। एक एस्पिरेंट हर तरीके की दुविधा से गुजरता है, किसी के माता पिता ने कर्ज लेकर के तैयारी कराई है, किसी ने जो है अपनी घर के जो है गहने रख दिए हैं, हर तरीके की चैलेंजेस है, मतलब सबके पास समान अवसर नहीं है यहाँ पे कि सब एक जैसे ही तैयारी कर रहे हैं। इतने प्रेशर के बाद आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है आपको, आयोग ने इतना कठिन सिलेबस क्यों बना दिया, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी की बागडोर आपके हाथ में आएगी, आपके निर्णय, आपके डिसीजन, आपके एक साइन का प्रभाव बनेगा, आप निर्णय लेंगे इस देश की तकदीर को बदलने का। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप टूट जाओगे, इसलिए आयोग ने इतना कॉम्प्लिकेटेड पक्ष ये बनाया है। शायद मेरी बात से आप एग्री होंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड यदि एग्जाम नहीं बनाया जाए तो पता ही कैसे चलेगा कि आपके अंदर पेशेंस का लेवल क्या है, पता ही कैसे चलेगा कि आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप निगेटिव पर्सन है। आपको आयोग एग्जाम से पहले ही चेक कर लेता है, एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब है आप में वो सारे गुण हैं। अब वो रटा रटा या किताबी कीड़ा इस एग्जाम के लिए फिट नहीं बैठता है, लेकिन मेहनत है पर डे का, आपको 10 घंटे पर डे देना है। और एक चीज बताऊं, जब आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम को देने के लिए ठान लेते हैं ना, फिर आप कंप्लीट डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है। आप खुद सोचिए, डिसिप्लिन का एग्जाम है ये, पहले से यदि आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आप क्या अनुशासित व्यक्ति हैं कि नहीं है, आप एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट नहीं हो रहा फिर भी ट्राई करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है। हर चीज ऐसा थोड़ा ना होगा कि पता चला आपने पहले ही प्रयास में हो गया, नहीं होता, कई बार दूसरा तीसरा चौथा प्रयास भी लगता है।
कई बार, तो आपका एटीट्यूड और अप्रोच कैसा, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे चार चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है कि आपका नॉलेज कैसा है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज के माध्यम से आप कैसे हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज के माध्यम से ही आपका दृष्टिकोण भी पता चलता है आपका। तो दूसरा होता है, दूसरा पक्ष है इसमें, दृष्टिकोण पक्ष, ज्ञान पक्ष, दृष्टिकोण पक्ष। और तीसरा है आपका कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों को, अपने पक्ष को कितना सुलझे हुए तरीके से आप सामने वाले को, अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता है कि नहीं है। क्योंकि सिविल सेवा में सबसे बड़ी चीज है कि आपको पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा। किसके लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए। एक IAS अधिकारी क्या करता है, एक IPS अधिकारी क्या करता है, एक IRS अधिकारी क्या करता है, एक SDM क्या करता है, एक DYSP क्या करता है, एक असिस्टेंट कमिश्नर क्या करता है, एक लेबर कमिश्नर क्या करता है। ये जितने भी पद हैं, ये वो पद हैं जो आम आदमी से सरोकार रखते हैं, आम आदमी के जनजीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा कि क्या आप अपने विचारों को सही से परोस पाते हैं या नहीं पाते हैं, अभिव्यक्त कैसे करते हैं आप खुद को, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं खुद को, इसकी भी आपसे जांच की जाती है। दूसरा, आपका शारीरिक भाषा भी देखी जाती है कि आपकी शारीरिक भाषा कैसी है, शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा के साथ साथ आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप पोशाक कैसे पहनते हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कई सारे पक्ष हैं। अब इन सब को आप देखेंगे तो मिल करके ये इंटरव्यू का पूरा सिनेरियो बनता है। कुछ बच्चे यहाँ पे जाके अटक जाते हैं, उनको लगता है नॉलेज नॉलेज नॉलेज, कभी भी अपना एक दृष्टिकोण नहीं डेवलप करते। तो देखिए, मेरा भी उद्देश्य यही है कि आपके अंदर एक दृष्टिकोण डेवलप हो, आप चीजों को समझ पाए और चीजों को बना पाए, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आयोग के पाठ्यक्रम पे जाने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आयोग आपसे क्या डिमांड करता है साक्षात्कार में, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें, पहले एक बार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोग भी एक्टिव हो जाइए और एक्टिव होकर के बताइए कि क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, क्या उससे आप अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, बताइए सभी लोग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बट यही है कि हमें जब इसको अच्छे तरीके से जोड़ना होगा तभी हम चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हाँ ठीक है, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे आते हैं, देखिए दरअसल आयोग की मांग क्या है। देखिए इंटरव्यू की तैयारी हम आज से चालू करेंगे, आज से, आज से प्रारंभ करेंगे इंटरव्यू की तैयारी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है जब मेंस हो जाएगा तब मॉक देंगे तभी से स्टार्ट होगा। मॉक इंटरव्यू तो कम से कम चलिए ठीक है, एक दो बार अभ्यास हो जाता है, अभ्यास देना भी चाहिए, है ना। और हो सकता है आने वाले समय में जब इंटरव्यू नजदीक रहा करे तो मैं आपको गूगल मीट के माध्यम से या कोई मॉक इंटरव्यू कुछ ना कुछ मैं खुद भी अरेंज कराऊंगा। लेकिन पहले मेरा प्रयास है कि मैं आपको 50-60 सेशन ऐसे दूं जिसमें आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, अपने बारे में कैसे बताएंगे, अपनी हॉबीज को कैसे डेवलप करेंगे, जो सामान्य प्रश्न पत्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा कि आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, पर इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, दरअसल अल्टीमेट पर्पस क्या है जाकर के वहां पे काम करने का। ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन, बहुत आइडियलिस्टिक नहीं बनना आपको, आपको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, आयोग की मांग के हिसाब से। आज से हम इंटरव्यू को समझना प्रारंभ कर सकते हैं कि आयोग की मांग क्या है, आयोग क्या चाहता है, मांग क्या है, आपसे क्या चाहता है आयोग, यूपीएससी क्या चाहता है, स्टेट पीएससी क्या चाहता है, ठीक है। देखिए आपका साक्षात्कार एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, एक बोर्ड होगा, 5 सदस्यीय बोर्ड होता है आमतौर पे, ठीक है, एक बोर्ड आपका साक्षात्कार करेगा। और जब बोर्ड के पास आप प्रस्तुत होंगे तो आप अपना पूरा एक जो है आपका आयोग के पास पहले से ऑलरेडी से आपसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जिसको हम डेफ कहते हैं। आयोग आपसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, ये जब जैसे ही आपका मेंस क्वालिफाई होगा उसके बाद इंटरव्यू का
डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप सारी चीजें बताते हैं इसमें बहुत विस्तार से, तो मैं आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना बताऊंगा। यहाँ पे ये तक पहले पूछ लिया जाता है कि आप किस जो है पद को चुनना चाहते हैं, उसका भी आपको क्रम देना पड़ता है, ठीक है। और ये भी आपको तैयार करना पड़ता है कि आप अच्छा यही पद क्यों चाहते हैं, इस पद के लिए आप क्यों, और उस पद के बारे में भी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में एक बोर्ड आपके पास होगा, इस सबसे पहली चीज क्या होगा, आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, आयोग आपसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक आपका आयोग के साथ स्वाभाविक वार्तालाप है, स्वाभाविक, इसलिए बहुत मतलब डरना नहीं है इससे, ठीक है ना, स्वाभाविक वार्तालाप है। आयोग को जो आप जानकारी देंगे कि आप क्या हैं, आपने क्या पढ़ा है, कितनी मतलब आपकी क्या पीछे का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, जीवन का बैकग्राउंड क्या रहा है, अभी आपने क्या विषय ले रखे हैं, सारी चीजें जो आप आयोग को बताएंगे, आपकी हॉबी क्या है, आप जो है किस तरीके की पर्सनालिटी, आप सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे आप इसमें, तो आयोग इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य रुचि के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे आयोग कुछ प्रश्न पूछेगा, और ये जो प्रश्न है इसमें देखो, आयोग का सिर्फ एक अल्टीमेट गोल है, इस बोर्ड को एक ही चीज चाहिए आपसे। बोर्ड आपसे क्या चाहता है, बोर्ड आपसे ये चाहता है कि आप सिविल सेवा के लिए बने हैं या नहीं बने, बस अल्टीमेट और कुछ नहीं। क्या एक सिविल सेवक के जो गुण है वो आपके अंदर है या नहीं है। अब सिविल सेवक के गुण क्या होते हैं, ये बोर्ड आपसे चाहता क्या है, पहली बात सामान्य रुचि के प्रश्नों से आपसे पता करने का प्रयास करेगा कि क्या आप सिविल सेवा के लिए बने हैं या नहीं। देखिए आसानी से पता चल सकता है, आप भी किसी से 5 मिनट 10 मिनट बनते मिलते हैं, तुरंत ही उसके प्रति आपका एक दृष्टिकोण बन जाता है, नजरिया बन जाता है। वहां पे जो लोग आपको मिलेंगे सब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे, और वो खुद सिविल सेवक हो सकते हैं या फिर किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। और हर तरीके की परिस्थिति में आपको डालने का प्रयास करेंगे, यदि उनको लगेगा कि आप इस सेवा के लिए बने हैं तो निश्चित तौर पे आपको चयनित करेंगे, अन्यथा आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। अब इससे क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं कि आयोग सिविल सेवा के लिए बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात है मानसिक क्षमता आपकी कैसी है, इसका आकलन होगा, मेंटल एबिलिटी कैसी है आपकी, ठीक है, आराम से पता चल सकता है, बहुत कठिन नहीं है इसमें, आपका यहीं से आपका नजरिया भी निकल के आएगा। कैसे आपको किसी दबाव में डाला जाता है, सिचुएशन में डाला जाता है, तो आप टूट जाते हैं या आप नहीं टूटते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, अब इन सभी को मैं तैयार कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अंदर बौद्धिक गुण कैसे हैं, और एक चीज और बता रहा हूं मैं इंटरव्यू के लिए, एक चीज मैं जो सबसे पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहली चीज देखिए, आयोग हर चीज बर्दाश्त कर सकता है कि आपकी पोशाक अच्छी तरीके से आपने नहीं पहनी, आप अच्छे तरीके से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये सब चीज आयोग, क्योंकि लबासना बना हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, वहां पे आपको सिखा भी दिया जाएगा। आयोग सिर्फ एक चीज बर्दाश्त नहीं करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं, मतलब झूठ बोलने की प्रवृत्ति है आप में। अब जब बात आती है झूठ बोलने की, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जाए आपको नहीं आता, तो उसका सीधा सा आंसर यही है कि सर मुझे नहीं आता, ये सीधा सा आंसर है, और आप उसके बाद आयोग आपसे आगे बढ़ जाएगा कि कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आपके अंदर एक जो है एक ऐसा जो है ईगो भरा होता है, आपको लगता है मेरे को सब कुछ आता है, मतलब मेरे से ज्यादा किसी और को नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं इस ईगो के चक्कर में आप रिप्लाई करते हैं, सही हो गलत हो कुछ भी हो आप बोलेंगे, आपको वो जो आपके अंदर का हुआ उससे पता चल जाता है कि आपको चीजें नहीं आती, आप स्वीकारने को भी तैयार नहीं है कि आपको नहीं आती। और आयोग इसलिए सिविल सेवा में झूठ को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि आपको
जो ये मतलब उसे पता चल जाता है कि ये तो ईमानदारी नहीं व्यक्ति। सिविल सेवा के लिए पहली शर्त है आपकी ईमानदारी, आप कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। क्योंकि आप शुरुआत में ही यदि आपके अंदर वो कमियां देखने को मिल जाएंगी ना, आप झूठ बोलेंगे, अपनी चीजों को छुपाएंगे, आपको नहीं पता चल जाता है, 10 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कैसे व्यक्तित्व हैं। तो आयोग को आप कोई भी चीज बताएं, पहली बात तो सही बताएं, झूठ नहीं बताएं किसी भी चीज को, क्योंकि वो बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, उसको फिर आप समझ लीजिए कि बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता कैसी है, मेंटल एबिलिटी कैसी है, किस सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हैं, आपके अंदर कैसे कैसे बौद्धिक गुण हैं, इनको लेकर के भी आपके अंदर क्या सामाजिक लक्षण है कि नहीं है, क्या आप 4 लोगों 5 लोगों के बीच में बैठ करके जो है वार्तालाप कर पाएंगे, दूसरों को सुनने की क्षमता है आपके अंदर। ठीक है, सामाजिक लक्षण मैं इन सब चीजों को डिटेल में भी आपको डिस्कस करूंगा। क्या अभी हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं समसामयिक स्तर पे, क्या उन पर आपकी रुचि है कि नहीं है, क्या जो समाज में चीजें घटित हो रही हैं, समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के प्रति आपका जो है रुख है कि नहीं है, क्या आप सामाजिक घटनाओं से भी सरोकार रखते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है सामाजिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आप इसमें जाएंगे तो आपको समाज के लिए ही कुछ करना है, तो क्या सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं आप, ये भी जानने का प्रयास। मतलब समाज के हर तरीके की प्रॉब्लम, चाहे महिलाओं की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे SC ST की हो, चाहे दिव्यांगों की हो, जितने भी वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, देश के अंदर क्षेत्रवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, या आसपास आपकी चीजें घट रही हैं, स्वच्छता की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, समाज में जो भी घट रहा है क्या उसमें आप रुचि रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये जानने का प्रयास किया जाता है आपसे। ठीक है, और ये जरूरी भी है, आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि इसीलिए आपको इस एग्जाम में लिया जा रहा है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज है, लोक सेवा है। तो यहाँ पे क्या आपके अंदर सामाजिक लक्षण है, क्या आप सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं, इसके बारे में जानकारी रखने का प्रयास आयोग करता है, यही आयोग जानना चाहता है। अब इसके अलावा आयोग और क्या चाहता है आपसे, मानसिक क्षमता पता चलेगा जब आपकी मेंटल अलर्टनेस आपकी देखी जाएगी कि आप कितना मानसिक तौर पे सतर्क रहते हैं। सतर्कता कैसे पता चलती है, जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं और सुनने के बाद उसके हर पहलू को समझते हैं, इंटरलिंक करते हैं, है ना, आपके आपसे कोई भी बात कही जाए तो पहले तो आप उसे अच्छे से सुने, आपकी मेंटल अलर्टनेस कैसी है, मानसिक सतर्कता कैसी है, ये एक अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सतर्कता। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति। कई बार आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है, क्या आप ऐसा तो नहीं है कि केवल अपनी बड़ाई पसंद व्यक्ति हैं, यदि कोई कमियां भी आपको बताई जा रही हैं तो क्या उनको आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। कई बार क्या होगा, जो भी आप विचार रखेंगे हो सकता है उस विचार से दूसरा व्यक्ति सरोकार ना रखे, आपका व्यू पॉइंट है, वो दूसरे का नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब भी कभी आपसे आलोचनात्मक तरीके से बात किया जाएगा तो आप रूड हो जाएंगे, असभ्य हो जाएंगे, आप उसको समझेंगे नहीं। तो आपके अंदर दूसरा जो लक्षण है वो है आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, आपके विचारों में स्पष्टता है, आपके कार्यों में स्पष्टता है, तो आप में स्पष्टता होनी चाहिए आपके कार्य में, विचारों में, है ना, ऐसा तो नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी चीजों को लेकर, आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए, आप लॉजिकल पर्सन है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप अतार्किक बातें करते हैं, आप तर्क संगत बातें करें, आपके हर बात के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप में प्रतिपादन करने की शक्ति है कि नहीं है, आप जो भी काम करेंगे क्या उसे बातों में ही टाल देंगे
या आप उसको पूरा भी करने का प्रयास करेंगे। प्रतिपादन करने की शक्ति, ये सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए एक चीज बताऊं, कोई भी निर्णय गलत या सही नहीं होता है, उसको सही साबित करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिए हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आपका निर्णय सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का निर्णय, अब कल के दिन आप इसमें असफल हो जाएंगे तो ये आपकी गलती है, निर्णय की गलती नहीं है। बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया और सही साबित कर दिया। तो सिविल सेवा में भी जब आप रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अपनी लाइफ में भी आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, तो वो पता चल जाता है कि आप में कैसा जो है, क्या संतुलित निर्णय की शक्ति है आपके अंदर। एग्रेसिव तो नहीं है आप, संतुलित निर्णयन की शक्ति। आप समस्या को सुलझाने वाले व्यक्ति हैं या समस्या को उलझा देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को उलझाते चले जाते हैं, तो आप समस्या को सुलझाएंगे या समस्या को उलझाएंगे। तो संतुलित निर्णयन की शक्ति आप में होनी चाहिए। रुचि में विविधता होनी चाहिए आपकी, आप जो भी रुचियां हैं, ऐसा तो नहीं है केवल आप लोगों के साथ क्या होता है ना, आपके साथ होता है कि आप केवल बस पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी रुचि भी बुक रीडिंग के अलावा तीसरी है ही नहीं, तो आप तो मल्टी डाइवर्स, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी, एक ही चीज में आपने अपने आप को कंप्रेस करके रख दिया। ना तो आप स्पोर्ट एक्टिविटी से मतलब रखते हैं, ना तो आपको एंटरटेनमेंट से मतलब है। मतलब आपको कम से कम एक हॉबी चुनने में भी आपके साथ ये है कि आप केवल एक ही हॉबी को लेकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, हॉबी क्या है आपको, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं कि मेरी हॉबी क्या है। कोई कहेगा मुझे खाना पसंद है, कोई कहेगा मुझे कुकिंग करना पसंद है, कोई कहेगा मुझे किताब पढ़ना पसंद है, किताब में भी वही लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना पसंद है, इसके अलावा आज तक कोई नॉवेल पढ़ी नहीं। तो आज तक आपने कभी आइडेंटिफाई करने का प्रयास नहीं किया कि आपकी रुचि में विविधता है कि नहीं है। रुचि का मतलब समझते हैं, अरे पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि आपको जॉब मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका करियर सेटल्ड हो जाएगा। अभी आपसे ये कह दिया जाए कि भैया सिविल सेवा में आप जाइए, आपको 0 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, आपको 10 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे। पहले ऐसे ही था, आजादी के बाद बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं थी, तनख्वाह अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी किसी बिजनेसमैन से कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं है सिविल सेवा में, है ना, बताइए तनख्वाह के लिए थोड़ा ना वहां पे। लेकिन यह है कि आपको रोजगार की सिक्योरिटी है, एक पावर है, एक स्टेटस है, बहुत सारी चीजें, एक व्यापक दायरा है। समाज सेवा आप सिविल सेवा के बाहर रह करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिविल सेवा के अंदर रह करके समाज सेवा करते हैं तो आपके पास एक एक्सेस होता है काम करने का। समझ रहे मेरी बात को, ये जितने भी चीजें बता रहा हूं। तो पहली बात, आपको अपनी हॉबी आपने बनाई भी है भी, तो उसके बारे में कुछ जानते भी हैं, है ना। आपकी बातों में गहराई कितनी है, आप ऐसा तो नहीं ऊपरी ऊपरी ही बातें करते हैं, कई बार सुनी सुनाई बातें होती है ना, वो चीजें तो नहीं आपके अंदर। ये सारे पक्ष हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। क्या आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आपके साथ एक टीम रख दी जाए 10 लोगों की, 5 लोगों की, 50 लोगों की, क्या आप उनको लीड कर पाएंगे, क्या आप उनको नेतृत्व प्रदान कर पाएंगे, क्या आप एक लीडर हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होती है। क्या सामाजिक संगठन की योग्यता है, क्या आप एक संगठन को चला सकते हैं, क्या आपके अंदर सामाजिक संगठन की योग्यता है। क्या आप एक सामाजिक संगठन चला सकते हैं, क्या आपके अंदर एक बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी है, क्या आप अपने विचारों के साथ साथ अपने कार्यों में भी वही डायमीटर, वही आपके जो है रूल्स हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब काम करने की बात आती है तो आप कहीं पे रह जाते हैं, और यह सब चीजें साक्षात्कार के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो क्या आपके अंदर बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब क्या है, खुलापन, पारदर्शिता। क्या आपके अंदर ईमानदारी का मतलब है, जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके प्रति आप खुले हुए हैं, ठीक है, इसकी जांच करने का प्रयास किया जाता है। इतने सारे पक्ष मैंने आपको बता दिए, मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्टता, तर्कसंगता, प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलित निर्णयन की शक्ति, रुचि की विविधता, गहराई, नेतृत्व, सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी, ये सारे पक्ष होते हैं।
समझ रहे हैं, इन सभी पक्षों को जब आप समझेंगे और इन पे काम करेंगे, ये कोई एक दिन में नहीं आप सीख सकते, एक दिन में नहीं कर सकते, तो आयोग आपके इन पक्षों को जांचने का प्रयास करेगा। इन गुणों से आप पता चल जाएगा कि आप सिविल सेवा के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, आपके मानसिक गुणों को पता लगाने का प्रयास है। ठीक है, एक विशेष प्रयोजन है कि आप सिविल सेवा के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। तो आपसे बहुत सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे पूछे जाएंगे, लेकिन उनका माध्यम यही है। ये कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये आयोग ने भी बताया कि कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो मानसिक गुणों को पता कर रहे हैं और उसी में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, प्रति परीक्षण करने का उनका प्रयास नहीं है। वो तो जानना चाहते हैं कि आपको आपके चारों ओर जो घटने वाली घटनाएं हैं आपके देश में, आपके राज्य में, देश के बाहर, क्या आप उनसे सरोकार रखते हैं, क्या उन समस्याओं के समाधान भी आपके पास हैं, क्या आधुनिक विचारधारा से आपके सरोकार हैं। बहुत सारे लोग यही हैं जो नई नई खोजें हो रही हैं, क्या उनसे आपको जुड़ाव है, उनसे आप रुचि ले रहे हैं, क्या आपके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज को करने की, नवाचार करने की। तो आयोग आपको तभी लेगा ना जब आपके अंदर ये सारे पक्ष होंगे, और बाकी का काम ट्रेनिंग कराती है, जो चीजें कमी रह जाएंगी ट्रेनिंग में पूरा हो जाएगा। तो आयोग बस आपको एक ऐसा पर्सन लेना चाहती है जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हो और सिविल सेवा के लिए उपयुक्त हो। समझ रहे हैं, मैंने इतने सारे पक्ष बताए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? अब देखिए, रही बात कि कैसे तैयारी करेंगे, क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, इंटरव्यू तो दिन प्रतिदिन में आप क्या जी रहे हैं, कैसे आप व्यक्तित्व हैं। बहुत सारे आप में से लोग होंगे तुरंत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाते हैं, गुस्से से लैस होते हैं, आपके अंदर एक अभी ईगो भी आ गया होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान बच्चों में आ जाता है, उनको लगता है अरे मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मतलब अपने आप को भी तोप समझने लग गए होंगे अभी से। बनने के बाद तो आप क्या करेंगे पता नहीं, पर बनने के पहले ही आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है विनम्रता का भाव, ये आपको लाना पड़ेगा अभी से। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तैयारी यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो बेसिक बेसिक कुछ भाव लेकर के आ रहा हूं। पहला है विनम्रता का भाव, विनम्र बन जाइए। समझ रहे हैं आप, कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं, क्या नॉलेज अर्जित कर लिया आपने, कुछ भी नहीं। बहस करना बंद कर दीजिए, आप बहस करते होंगे, आप लोग छोटी छोटी बात पे अपनी बात पे हावी हो गए, हावी हो गए, ये बचपना खत्म कर दीजिए। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, इसको आप दिन प्रतिदिन अपने बिहेवियर में लाइए, पोलाइट हो जाइए सभी के लिए, चाहे आपसे छोटे हो चाहे आपसे बड़े हो, विनम्र हो जाइए सबके आगे। विनम्रता का भाव आपको ऊंचा उठाता है, आपके घमंड को खत्म करता है। समझ रहे मेरी बात को, शालीन हो जाइए, पहली चीज तो ये। दूसरा डिसिप्लिन, अभी एक साथ सब कुछ नहीं बताऊंगा, अनुशासन। अनुशासन मतलब जीवन का एक कुछ तो एक मतलब ये होना चाहिए ना भाई, आपका लाइफ के कुछ तो रूल होने चाहिए ना। अनुशासन का मतलब ये, अनुशासन यहां पे शासन भी लगा हुआ है, अपने ऊपर शासन। यदि आपके अंदर अपने ऊपर शासन नहीं है ना, तो आप दूसरों के ऊपर कैसे करेंगे, है ना, फिर आपकी टीम तो बेकार ही है ना, आपके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं ना। आप टाइम से नहीं उठते, आप टाइम से नहीं खाते, आप टाइम से नहीं सोते, आप टाइम से ऑफिस नहीं जाते, आप टाइम से, तो जब आप खुद अनुशासित व्यक्ति नहीं है तो आपके साथ रहने वाले लोग कैसे अनुशासित हो सकते हैं, वो क्या सीखेंगे आपसे, आपके घर में बच्चे क्या सीखेंगे, बड़े क्या सीखेंगे, आप किसी को सिखाए ना सिखाए खुद भी आपको गिल्ट महसूस होती है, तो आप फिर पीछे चले जाएंगे। तो डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट कर दीजिए, दूसरी चीज ये है। ठीक है, पहला है विनम्रता, दूसरा है अनुशासन, तीसरा एक पक्ष और बताऊंगा, अभी ऐसा नहीं कि मैं एक साथ आपको सारी चीजें बताऊं, और ये सब चीजें अभ्यास की चीजें हैं। आज से आप बहस करना बंद कर देंगे किसी से, बहस करना बंद कर देंगे, इसकी जगह करेंगे क्या, आप सुनेंगे किसी को भी, सुनना प्रारंभ कर देंगे। अब ये मैंने आपको ये तीन टास्क बहुत बड़े टास्क है दे दिए हैं, ये अभी देखो शुरुआती चरण की बात है। बहस करना मत करिए किसी से, कोई कुछ बोल रहा है पहले उसको सुनिए, है ना, और बहुत लंबा चौड़ा खींच के किसी मुद्दे पे बात मत करिए,
बहुत लोग बहुत लंबा चौड़ा खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं बात को, खींचते रहते हैं खींचते रहते हैं, और कभी भी मजाक में भी किसी झूठ बात को बोलने से बचिए। एक और पॉइंट लिख लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, आप चाहते हैं ना इंटरव्यू की तैयारी में, बेसिक बात, झूठ को परोसने से बचिए। झूठ छोटा हो बड़ा हो, झूठ झूठ होता है, से बचिए। मान लीजिए आप सो रहे हैं और घर वालों को क्या बता रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, झूठ है, बताओ। आप सो रहे हैं और घर वालों को बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, झूठ है, बहुत छोटा सा झूठ है लेकिन झूठ है ये। खुद से भी झूठ मत बोलिए और सामने वाले से झूठ मत बोलिए, हो पाएगा? ये बस चार चीजें अभी आपको दे रहा हूं मैं। आज से आप बहस करना बंद कर देंगे क्या, हो जाएगा क्या आपसे, ये पॉसिबल है क्या? बहस करना बंद कर देंगे क्या? आज से पोलाइट हो जाइए अपने आसपास लोगों के प्रति, सबके प्रति। कोई कैसा भी बिहेवियर का है, कोई कितना भी रूड है, कितना भी असभ्य है, कोई कितना भी बदतमीज है, आप मत बनिए बदतमीज, कोई जरूरत नहीं है, कूल रहिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हासिल कर लिया आपने और ना कुछ हासिल कर लोगे बाद में। जितना विनम्र रहोगे, जितना सौम्य रहोगे, जितना शालीन रहोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर की पावर्स डेवलप होंगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। मन में एक द्वेष की भावना लेकर चलना, ईर्ष्या की भावना लेकर चलना, वो आपको पीछे खत्म, खींच के खत्म कर देगी। आपको क्या बचेगी, आपका क्या चरित्र बचाएगा बताइए? आपका तो कोई चरित्र बचेगा ही नहीं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को सभी लोग? कोशिश ही करना है, पर करना है, आज से शुरू करना है आपको। बाकी मैं आपको इंटरव्यू को लेकर बहुत चीजें डिस्कस, मैं देखो पर्सनालिटी में धीरे धीरे आपके चेंज आएगा, हो सकता है आप कैसी भी पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, पर धीरे धीरे चेंज आएगा। अब मुझे आपका पूरा व्यक्तित्व तो बदलना है, आपका पूरा सांचा ढांचा बदलना है, तो नॉलेज तो मैं आपको दे दूंगा, नॉलेज की टेंशन नहीं है। आप ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं या आप मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पास नॉलेज भर जाएगा, पर नॉलेज के साथ जो जरूरी चीजें हैं वो मुझे आपके अंदर इनबिल्ड करनी है, समझ रहे हैं बात को सभी लोग? तो बहस करना बंद करेंगे आज से, प्रण करिए कम से कम शुरुआत में एक सप्ताह किसी से बहस नहीं करेंगे, सुनेंगे, सुन के उसको रिप्लाई भी करिए। और जब सुनते हैं ना तो सुनने का मतलब नहीं, सुनने का जो है आप वो करेंगे, नाटक करेंगे। आपसे यदि कोई बातचीत करना चाहता है ना, आप प्रॉपर उसको सुनिए, आई कॉन्टेक्ट रखिए, है ना, उसकी बातों को सुनिए। और उसको बीच बीच में टोकना भी होता है, जैसे बात कोई सुन रहे हैं, सुनते सुनते अच्छा कोई बात है उसमें हामी भी भरनी होती है, तो एक सुनने का एक सही तरीका होता है, नाटक वाला तरीका, वो भी फिर झूठ में आ जाएगा। ये बहुत बड़े गुण मैंने लिख दिए हैं, इतना आसानी से नहीं अर्जित होंगे, लेकिन ये है कि आज से अभ्यास चालू कर दीजिए इनका, सभी का, ठीक है? तो मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करिए इस बात का, ठीक है? जैसे ही तैयार करेंगे फिर आपको, जैसे मैं आपको खुद का बताता हूं, जब कभी भी मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो आप कभी देखेंगे, कभी आप लोगों ने व्यक्तिगत तरीके से मुझसे जो बच्चे मिले हैं, कभी भी आपके अंदर जितनी विनम्रता होगी ना, सौम्यता होगी ना, जितना आप दूसरे को सुनने की क्षमता विकसित कर पाएंगे ना, आपको उससे अच्छा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आपको मानसिक तौर पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, सामने वाले को कोई ईगो नहीं दिखाना, कोई दो बातें कह ले रहा है सुन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका कुछ उसने खत्म कर दिया। आप किसी के साथ यदि गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, पहली बात सामने वाला करेगा ही नहीं आपके साथ गलत बिहेवियर, और कोई कर भी रहा है तो करने पर आप उसको क्षमा करिए, आप उसमें उलझिए मत, अभी उलझने का टाइम नहीं है आपका, है ना। एक अधिकारी विनम्र होना चाहिए। आप कैसा अधिकारी चाहते हैं, कि आपके गांव में डीएम साहब जो है वो विनम्र रहे या बहुत रूड रहे, असभ्य रहे, बहस करने वाले रहे या सुनने वाले रहे, कैसा अधिकारी आप चाहते हैं बताइए? क्या आप चाहते हैं ना कि ऐसे अधिकारी हो जो सुने जनता को, विनम्रता का भाव हो उनके अंदर, ईगो नहीं होना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने वाले होने चाहिए, तभी आपको भी लगेगा। आप किसी अधिकारी ऑफिसर से मिले तो आपको भी लगता है क्या अधिकारी था भाई, वाह मजा आ गया। वो भाव अभी भी तो ला सकते हैं ना, धीरे 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 फिर वो डेवलप होंगे और वो फिर दिखेंगे आपके चेहरे पर, वो फिर दिखेंगे। हंसी मजाक ठीक है एक तरफ है, लेकिन सीरियसली आप इस बात को बैठ करके सोचिए कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, समझ रहे हो मेरी बात को?
तो ये कार्य मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये टास्क है, धीरे धीरे ये मतलब ये रेगुलर चलता रहेगा ये वाला टास्क। अभी मैं इसमें और कई सारे गुण जोड़ता जाऊंगा, लेकिन मैंने अभी चार गुण जोड़े हैं यहाँ पे। विनम्रता का भाव, अनुशासन, मतलब लाइफ में कुछ रूल्स बनाइए और उन रूल्स पे फिर फॉलो करिए उनको, समझ रहे हैं? जीवन के जो भी नियम बनाइए उन नियमों को पालन करने का प्रयास करिए, कि आपको सोने का टाइम आपका फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, जगने का टाइम, मतलब वो फिर फिक्स होना चाहिए, है ना? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैजुअल बिहेवियर है, हो जाएगा, आज का काम कल हो रहा है, कल का काम परसों हो रहा है, आप किसी को एक मिनट का टाइम दे के आ रहे हो फिर 10 घंटे गायब हो, है ना? किसी से कुछ प्रॉमिस किया फिर वो प्रॉमिस का कुछ अता पता, मतलब चीजें इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावकारी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं चीजें सारी की सारी। ठीक है, अभी तो देखो बेटा पढ़ना है, ठीक है, घूमने का यदि आपको शौक है तो घूमिए, पर्यटन भी एक आपका अच्छा हॉबी हो सकता है। मेरा भी टूरिज्म हॉबी है, मैं तो बकायदा पूरा भारत दर्शन का कार्यक्रम चलाता हूँ टूरिज्म पे। तो मतलब अब आप देखिए, मैंने अपना पैशन बना लिया उसको, आप भी घूमिए, टहलिए, उससे अर्जित करिए, घूमने से ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं सीखते। लेकिन अभी तो समय आपका पढ़ने का है ना, अभी तो आपको पूरे टाइम को, बाद में आपको UPSC घुमाएगा जब टाइम मिले, कि भाई एक दो दिन का टाइम मिला, निकल जाओ कहीं ना कहीं पे, एक्सप्लोर करके आओ, सड़ो मत चीज़ों में, रुको मत चीज़ों में, है ना? एक होता है हम सड़ जाते हैं, रुका हुआ पानी क्या होता है, सड़ जाता है, बहता हुआ पानी बनो। तो अभी सिलेबस भी तैयार करो, जैसा भी कर पाओ, ठीक है? तो इसे समझना जरूरी है, और ये सारे पक्ष मैंने आपको बताए। अब आने वाले समय में मैं आपको एक तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, पहले तो मैं पद बताऊंगा कि आपको अपने नोटिफिकेशन में पोस्ट दी होती हैं, उन पोस्ट को देखिए। फिर आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, कि इंटरव्यू बोर्ड कॉमन क्वेश्चन कई सारे पूछता है, जैसे आपका खुद का परिचय आपको तैयार करना पड़ेगा, अपना इंट्रोडक्शन क्या देंगे आप वहाँ पे, क्या बोलेंगे, और ये तैयार करना पड़ेगा पहले से, ये आपका जो परिचय है आप कैसे देंगे अपने आप को, सिविल सेवा की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, या आप क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हैं, इसका क्या रिप्लाई देंगे, और किस किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, हॉबी को लेकर कैसे काम कर सकते हैं, इसको लेकर सेपरेट सेपरेट सेशन लूंगा मैं आपके, ठीक है? और मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि आप उनसे बहुत कुछ सीख जाए, ठीक है? तो आने वाले सेशंस में ये प्रॉपर डिस्कशन होंगे। आज कई सारे मुद्दों पे बात हुई है, शायद मुझे लगता है आपका ब्रेन थोड़ा सा ओपन हुआ हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाकी देखो सुबह से शाम तक पढ़ाई करनी है, आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसे पूरा करना है, ठीक है? चलिए।